कैसे हो दोस्तों। डीसी के मेगा क्रॉसओवर इवेंट द क्राइसिस और इन्फिनिट अर्थ के एपिसोड 14 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड से हम सब ने देखा कि कैसे एंटी मैटर की एक वेव पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इससे बचने के लिए द मॉनिटर ने सुपर हीरो से एक टीम बनाई। अपनी पावर से मॉनिटर और हार्बिंजर ने 5 अर्थ को नेदरवर्स में डाल दिया और उन्हें एंटी मैटर की वेव से बचा लिया। पर ऐसा करने पर उस नेदरवर्स में पांचों अर्थ के बीच की वाइब्रेशनल पावर्स कम होती गई और इसकी वजह से पांचों अर्थ एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे। इसे रोकने के लिए सभी हीरोज एंटी मैटर यूनिवर्स में जाते हैं। सुपर गर्ल मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है पर एंटी मॉनिटर सुपर गर्ल को मार देता है। द फ्लैश अपनी स्पीड से एंटी मैटर कैनन को डिस्ट्रॉय कर देता है पर यह करने में वो खुद मर जाता है। एंटी मॉनिटर सभी एंटी मैटर को अपने अंदर लेकर ऑल पावरफुल बन जाता है। एंटी मॉनिटर को रोकने के लिए सभी हीरोज और विलन्स डॉन ऑफ द टाइम पर जाते हैं। विलन्स और हीरोज दोनों के पास अपने अपने सेपरेट मिशंस थे। विलन्स को ओवा पर कोरोना के एक्सपेरिमेंट्स को रोकना था और हीरोज को एंटी मॉनिटर से फाइट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करना था, पर दोनों अपने मिशंस में अनसक्सेसफुल हो गए और एंटी मॉनिटर ने सभी हीरोज की पावर छीन ली और उसकी मदद से और कोरोना के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पेक्टर ने एंटी मॉनिटर के साथ लड़ाई करके उसे रोकने का ट्राई किया पर वो भी अनसक्सेसफुल रहा। फिर आखिर में सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचा था और एंटी मैटर की वेव उस अर्थ को अपने अंदर स्वॉलो कर देती है और अब वो अर्थ एंटी मैटर यूनिवर्स से पहुंच जाता है। एंटी मॉनिटर सभी हीरो से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। शैडो डीमंस अर्थ पर हमला कर देते हैं। सभी हीरोज और हार्बिंजर मिलकर द मॉनिटर का फाइनल प्लान इनैक्ट करना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक पहले के एपिसोड 1 से लेकर 13 अब तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से उन्हें देख लीजिए। आप ये काम ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड 14 शुरू करते हैं। अपनी स्पीच के बाद हार्बिंजर सभी हीरो से कहती है कि अब टाइम आ गया है हम मॉनिटर के फाइनल प्लान को शुरू करें। सुपरमैन एलेक्सेंडर लूथर से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। एलेक्स कहता है कि हाँ, अब मैं तुम सबके लिए हार्बिंजर हूँ। वो पराया से कहता है कि तुम हम सबको लीड करोगे। जैसे ही हम एंटी मैटर के बैरियर को तोड़ेंगे तुम हमें एंटी मॉनिटर तक लेके जाना। पराया कहता है कि ठीक है। एलेक्स कहता है कि मैं मेरे अंदर की एंटी मैटर पावर्स को अब जागृत करने वाला हूँ और उसकी मदद से हम एंटी मैटर के बैरियर को तोड़ पाएंगे। और फिर एलेक्स अपनी पावर्स से एक लाइट का बीकन बनाता है और लाइट का बीकन ऊपर आकाश में जाकर एंटी मैटर के बैरियर को छूता है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर फुल स्पीड में लाइट के बैरियर की तरफ आता है। ब्रेनियक सभी हीरोज को कहता है कि हम पहुँच गए हैं। सभी हीरोज उससे पूछते हैं कि हम कहाँ पर हैं। प्रीना कहता है कि हम पूरे यूनिवर्स की सिर्फ उसी जगह पर है जो हमें वो पावर दे सकती है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। अब प्लैनेट की सरफेस पर टेलीपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। सभी लोग प्लैनेट पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि अपोकलिप्स का प्लैनेट है। डार्क साइड वहाँ पर आकर उन्हें कहता है कि तुम सबका मेरे प्लैनेट पर स्वागत है। अर्थ पर सभी हीरोज शैडो डीमन से फाइट कर रहे हैं और उन्हें रोक रहे हैं ताकि वो और डिस्ट्रक्शन फैला ना सके। हॉक और डव पहले रिटायर हो गए थे पर अब इस क्राइसिस में सबकी मदद करने के लिए वापस आ जाते हैं। एक बच्चा बिल्डिंग के नीचे फंस गया होता है तो हॉक और डव उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तभी शैडो डीमन वहाँ पर हमला कर देते हैं और उस हमले में डव मर जाता है। सभी मैजिशियंस और सॉर्सरर्स अपनी पावर से एक पावरफुल डिवाइस बना रहे हैं। दूसरी तरफ एलेक्स की मदद से सभी हीरोज एंटी मैटर के बैरियर को तोड़ देते हैं और फिर वो एंटी मैटर यूनिवर्स के क्वाड प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुपरमैन पूछता है कि आगे क्या करना है। एलेक्स कहता है कि पराया
अपनी पावर से एंटी मॉनिटर को ढूंढेगा और फिर हम सब जाकर उस पर हमला करेंगे, सुपरमैन कहता है। तो देर किस बात की है, जल्दी से काम शुरू करो। पराया फुल कोशिश करता है पर उसे एंटी मॉनिटर नहीं मिलता है। वो कहता है कि हमारे आसपास सभी जगह पर मुझे एंटी मॉनिटर की प्रेजेंस फील हो रही है, मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। और तभी द फ्लैश वहाँ पर आ जाता है। सभी शॉक में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एंटी मॉनिटर ने तो कहा था कि फ्लैश मर गया है, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। किड फ्लैश कहता है कि शायद बैरी जब मरा तो वो फुल स्पीड में भाग रहा होगा और उसकी वजह से उसने टाइम ट्रैवल कर दिया होगा। पर फिर द फ्लैश धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाता है। किड फ्लैश उसके पीछे भागता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं पता लगा के रहूँगा कि बैरी के साथ क्या हुआ। सभी हीरोज किड फ्लैश के पीछे भागते हैं। आखिरकार किड फ्लैश रुक जाता है और वो देखकर कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये सच होगा पर अब मुझे यकीन हो गया है। उन्हें साइको पायरेट मिलता है। साइको पायरेट फ्लैश का यूनिफॉर्म बाहर निकल कर ट्राई करता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बचाओगे पर अब तुम भी चले गए हो, अब मेरी मदद कौन करेगा। किड फ्लैश आकर बैरी का यूनिफॉर्म उठाता है और कहता है कि तुम सच में मर गए हो है ना। तभी पराया कहता है जल्दी करो, मैं फील कर सकता हूँ कि एक अनलिमिटेड इलीविल का सोर्स हमारी तरफ बढ़ रहा है, जल्दी करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी एंटी मॉनिटर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम सब पागल हो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ अर्थ पर सभी हीरोज शैडो डीमन से फाइट कर रहे होते हैं और सभी सॉर्सरर्स अपनी सभी पावर्स द ग्रीन लैंटर्न के लैब में डाल रहे होते हैं। आखिरकार सभी पावर्स उस लैब में ट्रांसफर हो जाती है और फिर डॉक्टर फेट के टावर में वो मैजिक वर्ड्स बोलते हैं और फिर सभी पावर एक साथ में उस लैब से बाहर निकलती है और पूरे अर्थ के आसपास सराउंड हो जाती है और उस पावर उस ज़बरदस्त लाइट की वजह से सभी शैडो डीमंस वहाँ से भाग जाते हैं और अर्थ बच जाता है। सुपरमैन कहता है कि अब तक सभी मैजिशियंस ने शैडो डीमन को हरा दिया होगा, अब हमारी बारी है, सब मिलकर एंटी मॉनिटर पर हमला करो। मैं जानता हूँ कि हम हमारी पावर से भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे पर वो हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ एंटी मॉनिटर को डिस्ट्रैक्ट करना है और हमें उसका वीक पॉइंट ढूंढना है। हरमिंदर एलेक्स से कहती है कि एंटी मॉनिटर अपनी सभी पावर्स एक स्टार से एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें उस स्टार को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वो डॉक्टर लाइट से कहती है कि द मॉनिटर ने तुम्हें इसी रीजन के लिए बनाया था और अब तुम्हें अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करना होगा, तुम्हें उस बाइनरी स्टार की सभी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। और डॉक्टर लाइट उस स्टार की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। एंटी मॉनिटर की पावर्स धीरे धीरे ड्रेन होना शुरू कर देती है, इसलिए एंटी मॉनिटर हारबिंजर की तरफ मुड़ता है। हारबिंजर कहती है कि एलेक्स अब तुम्हारी बारी है और एलेक्स अपने पॉजिटिव मैटर की पावर से एंटी मॉनिटर पर हमला करना शुरू कर देती है। हारबिंजर कहती है कि भले ही डॉक्टर लाइट एक तरफ से स्टार की पावर से एब्जॉर्ब कर रही है और दूसरी तरफ एलेक्स भी अपनी पावर से उस पर हमला कर रहा है, पर फिर भी एंटी मॉनिटर को हराने के लिए हमारे पूरे प्लान को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। फिर पराया नेगेटिव वुमन से पूछता है क्या तुम रेडी हो, वो कहती है कि हाँ। और फिर सभी हीरोज एक साथ मिलकर एंटी मॉनिटर पर हमला करते हैं। एंटी मॉनिटर इन सब हमलों की वजह से नीचे गिर जाता है। पराया कहता है कि डॉक्टर लाइट एंटी मॉनिटर नीचे गिर गया है, अब तुम्हारी बारी है। और फिर डॉक्टर लाइट जो उसने पावर उस स्टार से एब्जॉर्ब की है उस सब पावर को डायरेक्ट करके एक फुल एनर्जी ब्लास्ट एंटी मॉनिटर पर मारती है और उस ब्लास्ट की वजह से एंटी मॉनिटर नीचे गिर जाता है और उसके बॉडी के पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आखिर में द एंटी मॉनिटर मर जाता है। पर अब भी खतरा टला नहीं है। एलेक्स लूथर सबको बुलाता है। वो कहता है कि मैंने एंटी मॉनिटर से जो पावर्स एब्जॉर्ब की है उस पावर की मदद से मैं एंटी मैटर और पॉजिटिव मैटर यूनिवर्सेस के बीच में एक रास्ता खोल सकता हूँ और वो रास्ता इतना बड़ा होगा कि हम हमारे अर्थ को इस यूनिवर्स से पॉजिटिव यूनिवर्स की तरफ लेके जाएंगे, पर हमें यह जल्दी करना होगा क्योंकि अगर हमें देर हो गई तो हमारा अर्थ पूरी लाइफ के लिए इस एंटी मैटर यूनिवर्स में ही रह जाएगा। एलेक्स वो पोर्टल खोलता है और सभी हीरोज को कहता है कि जल्दी करो,
हमें जल्दी जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि सभी शैरो डीमंस अर्थ से जाकर जहाँ पर एंटी मॉनिटर की बॉडी पड़ी है उस तरफ जाते हैं। सुपरमैन कहता है कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सभी शैरो डीमंस एंटी मॉनिटर के अंदर चले जाते हैं और एंटी मॉनिटर में फिर से लाइफ आ जाती है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है अब तक मुझे कोई भी मार नहीं सकता है। और अब एंटी मॉनिटर फिर से जिंदा हो गया है। यहीं पर हम एपिसोड 14 ख़त्म करते हैं। एपिसोड 15 यानी कि इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सभी हीरोज मिलकर एंटी मॉनिटर को आखिरी बार हराते हैं और कैसे अपने अर्थ को वापस बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर बेल स्मैश मार दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है नील, यह है कॉमिक्स असेंबल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।